रेडियो सिटी 91.1 पर कई बार ऐसे बहुत ही जीनियस इंडिविजुअल मिल जाते हैं। और पता है जीनियस क्यों? क्योंकि आपको प्रॉब्लम के बारे में सोचना पड़ता है ना, उसके बाद सोल्यूशन सोचना पड़ता है, उसके बाद सोचना पड़ता है कि भैया भारत में इसको लागू कैसे किया जाए। और उसके बाद जब कोई नया आविष्कार आता है तो लोग वैसे ही बोलते हैं कि यार ये नहीं करना है, पहले 10 लोग ऑल को करने दो ना। मनीष केलशिकर, फाउंडर ऑफ वू लू ऐप, लू लू मनीष, विमेन्स लू यार। बिल्कुल बिल्कुल, इट्स परफेक्ट। तो थैंक यू सो मच थोड़ा समय निकालने के लिए कड़क शो के लिए। आई एम वेरी ग्रेटफुल, यू आर ए जीनियस। आइडिया ही जीनियस वाला था, लेकिन सडनली कैसे सोचा? मतलब इसको एक ऐप के तरीके से सोचना ही बहुत बड़ी चीज है। एक तो कीड़ेबाज तो हुई, अच्छा इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग करके डिजाइन में चला गया, डिजाइन करके फिर एमबीए में चला गया यूएस। 20-22 साल ग्लोबल रिटेल इंडस्ट्री में हर जगह काम करने के बाद पता चला बोर हो गया। आई वॉज इन अ लग्जरी रिटेल एंड एवरीथिंग। लोग हम लोग उनको बस बताते गए कि बहुत इसेंशियल है भाई, ये ले लो वो ले लो। रिटेल में ना बहुत सारी और 65% विमेन एम्प्लॉयज होते हैं। अच्छा, तो हमेशा देखते थे कि देश स्ट्रगल वगैरह तो इनका प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए, लेकिन कभी सच्ची बताऊ ना सर, दिल पे नहीं लगा था कभी। जब तक मेरी बेटी ना 3 साल पहले वो शी वॉज आउट फॉर कॉलेज एंड पैड बदल नहीं पाई, करेक्ट और बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हो गई थी और फ्रस्ट्रेट हो गई थी। करेक्ट तो आके फिर बोला कि यार तू कुछ कर, तू व्हाट इज दिस यार, आई मीन डैड यू शुड चेंज समथिंग लाइक दिस। एंड वो मतलब वो एगनी ऑफ अ वुमन इज अंडरस्टूड बाय अ मैन ओनली व्हेन ही बिकम्स अ फादर। वेरी ट्रू, आई वो अंडरस्टैंड, हाँ तो वो मैं भी हूँ लग ना, गया मेरी उसके। बेटी बेटा दोनों हैं, आई नो। देन द जर्नी स्टार्टेड। बेसिक आइडिया क्या है? आप विमेन्स लूज बना नहीं रहे हैं, आपने एक ऐप बनाया जो बताएगा कि कहाँ पे बाजू में है, कहाँ क्लोजेस्ट है, लाइक ए मैप फॉर विमेन्स लूज। नाउ क्वेश्चन ये हो जाता है फिर, मतलब इतने हैं ही नहीं वैसे भी। टॉयलेट एक प्रेम कथा जो पिक्चर आई थी, यही तो प्रॉब्लम थी। सरिल आप बहुत शॉक्ड हो जाओगे, मैं बॉम्बे के सारे पब्लिक टॉयलेट विजिट किया है। जी एवरी नाइट आई हैव ट्रैवल्ड टू जी यू नो मोर देन 500। जी एक तो ना सिर्फ 20% आर यू नो मेड फॉर विमेन, जी एक भी यूजेबल कंडीशन नहीं में था। अब ऑब्वियसली मैं ब्लेम नहीं करूंगा अथॉरिटी पे, बिकॉज उसका वायबिलिटी मॉडल जो है ना वो कमर्शियली वायबल नहीं होता है, रियल एस्टेट ऑपरेशंस वगैरह करेक्ट वगैरह। करेक्ट करेक्ट, मैंने हम लोग एज इनोवेशन में 200 मीटर पे वॉशरूम मिल सकता है क्या, मुझे एटीएम मिलता है, पान की दुकान मिलती है, करेक्ट 200 मीटर पे, करेक्ट ओके तो वॉशरूम क्यों नहीं मिल सकता है? तब पता चला ना कि 200 मीटर पे ना एक अच्छा सा रेस्टोरेंट हो सकता है। और फिर आई मीन बीइंग इन रिटेल पता चला 60% रेस्टोरेंट्स ना उनको नेगेटिव रिमार्क मिलता है, नॉट फॉर बैड फूड और बैड एम्बियंस, दे डोंट हैव लेकिन बाथरूम। बैड नो 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 बैड टॉयलेट है, बाथरूम लेकिन मेंटेन नहीं है। अच्छा तो मैं फिर हम लोग मतलब आई वोर अ रिटेल हैट एंड पता चला कि वो क्यों नहीं मेंटेन करता है यार, तो पता चला वो नॉन ट्रेडिंग स्पेस है। मैं जहाँ फायदा ना मिले वहाँ पे कोई किसी को कोई कष्ट नहीं कर रहा। हाँ एग्जैक्टली सिंपल। तो हम लोगों ने फिर दूसरी लाइन लिखी कि मेरा टॉयलेट अभी मेरे लिए कैसे काम आ सकता है, क्या वो टॉयलेट अपने आप सेल्फ प्रोपेल इंजन की तरह अपने आप पैसा बनाए और उसको मेंटेन करे। इस तरह से फिर वो थॉट प्रोसेस शुरुआत हुई, क्रिएटिंग अ एयरबीएनबी ऑफ टॉयलेट बिजनेस मॉडल। वाओ, सिटी का कड़क घंटा सलील के साथ, अनबिलीवेबल। कभी आपने सोचा था? सब जानते कि मुंबई में टॉयलेट है नहीं, लेकिन टॉयलेट कैसे कमाई दे सकता है जिसकी वजह से लोग फिर इंटरेस्टेड हो जाएंगे अपने टॉयलेट को इस ऐप पर डालने के लिए, ताकि आप जब भी यूज करना चाहे, कैसे यूज करना चाहे, ये सारी चीजें हो सकती है। मतलब इट्स सो एक्साइटिंग, इतना फ्यूचरिस्टिक है। और मनीष से थोड़ी और बातें होंगी जिन्होंने ये वुलू ऐप क्रिएट किया है। मैं जानना चाहता हूं कि कैसे इसकी फंक्शनिंग होगी, कितने लोग एक्चुअली इसमें जुड़ चुके हैं, कितने लोग एक्चुअली इसे यूज करते हैं। आई वॉन्ट टू नो ऑल दिस। थोड़ी देर में रेडियो सिटी 91.1 बने रहिए। जब IIT से आदमी अमेरिका जाता है और अमेरिका जाने के बाद उसे रियलाइज होता है कि 2-4-5 साल में मैं बोर होगा यहाँ पे सिर्फ पैसा कमा के, भारत में वापस आके कुछ सोचा जाए ताकि भारत हम बेटर बना सकें, ऐसे लोगों की ऑलरेडी रिस्पेक्ट मेरी बहुत हाई हो जाती है इनके लिए। वुलू ऐप के फाउंडर मनीष मेरे साथ रेडियो सिटी 91.1 पर। लू शब्द है इसमें क्योंकि है ये एक लू। सोचो एक ऐप जहां पे सबसे नजदीकी, सबसे 5 स्टार, जो एक सर्टन स्टैंडर्ड का होता है, वैसा लू अगर औरतों के लिए अवेलेबल हो जाए तो लाइफ ही चेंज हो जाएगी। तो इसके लिए पहले तालियां। क्या हो जाता ना, अनफॉर्चुनेटली हाइजीन की बात तो बहुत करते हैं लेकिन पिक्चरें आ गई यार। फुल्लू एक पिक्चर आई थी, टॉयलेट एक प्रेम कथा, पैडमैन, ये सारी चीजें, पता है ये औरतों से रिलेटेड जो इश्यूज रहते हैं, जो इतने सालों से हमने कभी इसको सोचा नहीं, बिकॉज बोला कि ये तो एग्जिस्ट ही करते आया है, तो इसके बारे में हम क्यों सोचे।
ये सारी चीजें और आज का समय जो है हमें सोचने पर मजबूर कर चुका है कि वी नीड टू एड्रेस दीज इश्यूज। मनीष, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिलियंट आइडिया ऑफ कोर्स, लेकिन इस आइडिया को रियलिटी में एक ऐप में कन्वर्ट किया कैसे आपने? सबसे पहले तो हम लोग को चुनना था कौन सही और कौन नहीं सही, ओके, बिकॉज दिस वॉज अ वुमन कस्टमर, सो वी क्रिएटेड अ यूनिक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, उसको बोलते हैं वाह, वुलू एश्योरेंस ऑफ हाइजीन, वाह मतलब वाह, ओके ओके, ये इसमें ISI मार्क लग गया, टॉयलेट परफेक्ट है, औरतें यूज कर सकती हैं। अभी वो 5 क्राइटेरिया पे है कि वो जो फैसिलिटी वो एक्सेसिबल हो आसानी से, उसमें जो फिटिंग्स हो वो एकदम टॉप क्लास स्टैंडर्ड से हो, फिर उसमें जो SOP हो क्लीनिंग का वो करेक्ट हो, हॉस्पिटैलिटी करेक्ट हो, और विद इन द फैसिलिटी वो मतलब एक्सेसिबल करेक्ट हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो टॉयलेट सेपरेट हो औरतों के लिए और मर्दों के लिए। बिल्कुल सही, क्योंकि हाइजीन फैक्टर वैसे ही आदमियों का भी कम रहता है, लेकिन इसकी फंक्शनिंग कैसे, मुझे मतलब समझ नहीं आया कि कोई आदमी जो है जो इसको चला रहा है या फिर इसका जो रेस्टोरेंट है, व्हाई शुड ही रन दिस, मतलब क्यों इसको ये चलाना चाहिए और लोग कैसे उसके पास आएंगे, मतलब इट्स अ वेरी बिग हर्डल। हम लोगों ने क्या किया, इन लोगों से जाके बात की कि देखो भाई, जो कस्टमर है जिसको आप वॉशरूम ऑफर कर रहे हो, भले वो डायरेक्ट वॉक इन करे या वुलू के ऐप के थ्रू आए, ओके, कंसिडर हिम एज एडिशनल कस्टमर, तो वुलू ऐप आपको अभी नया कस्टमर दे रहा है, ओके ओके, आपको क्या करना है, खाली आपका वॉशरूम मेंटेन करना है। अब वुलू आपको पहले तो एक एक अपग्रेड करके देगा वॉशरूम, तो वो अपग्रेड ये होता है कि उसमें हम लोग मोशन सेंसिंग टॉयलेट सीट कवर डालते हैं, टचलेस सोप डिस्पेंसर, टचलेस फ्रेग्रेंसेस, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक IoT डिवाइस लगाता है वुलू जो स्टिंग सेंसिंग करता है रिमोटली। वाह, बदबू का सेंसर, सुपर, यही तो मेन चाहिए, लेकिन ये चलाएंगे कैसे, मतलब कस्टमर अलग से पैसे दे रहे हैं इसके लिए? नो, कस्टमर को सिर्फ सब्सक्रिप्शन लेनी होती है, ओके, फॉर अ मंथ, ओके, विच कैन बी एनुअली 1 rupee a डे, सो 365 rupees, दैट्स इट, तो कहीं भी जाओ यू हैव अ हाइजीन इंश्योरेंस। और कितने ऐसे टॉयलेट हैं इस ऐप पर? 1200 टॉयलेट मुंबई में ही करंटली सर्टिफाइड है। बाय द टाइम वी कंप्लीट अनदर दिस फाइनेंशियल ईयर वी विल हैव 4000 टॉयलेट इन मुंबई एंड 35000 इन अनदर 50 सिटीज ऑफ इंडिया। तो रिस्पांस कैसा रहा? इट साउंड्स अमेजिंग, रिस्पांस कैसा रहा है? अभी तक 15000 यूनिक यूजर्स है हमारे। वाओ, नहीं नहीं, इट्स नॉट वाओ, 4 million वुमेन, 40 lakh औरतें ट्रेन से ट्रेवल करती है मुंबई में। जी, आई एम टेलिंग यू, कम से कम 20 lakh औरतों के लिए ये एक हैंडी ऑप्शन है। हम लोग हमेशा वर्किंग वुमेन जो BKC वगैरह में काम करने वाले ऐसे, बट इमेजिन 50000 महिला पुलिस इन मुंबई में 14-14 घंटे रोड पे बिना पैड चेंज किए बिना पानी पिए रहते हैं। वुलू ऐप उनके लिए एक बहुत बड़ा ये है। और ऐसे 2.5 lakh कोविड वर्कर वगैरह बहने हमारी महिलाएं, उनके लिए वुलू एक शुरुआत है, मतलब वहीं से शुरुआत करने कर रहे हैं हम लोग। आदमियों के लिए भी ये अगर प्रोवाइड कर देना आप, थोड़ा सा एक इसका एक्सटेंशन बना दें, क्योंकि ये जो खड़े खड़े जो शुरू हो जाते हैं ना भाई साहब लोग, अगर शायद इनको भी थोड़ी अकल आ जाएगी, हो सकता है। एग्जैक्टली, नहीं नहीं, मैं एक बात बताता हूँ, वुलू को औरतों को सामने रखे हुए डिजाइन किया है, लेकिन मर्द भी यूज कर सकते, बिकॉज हमने बोला था कि सर्टिफिकेशन सेपरेट होता है टॉयलेट मर्दों के लिए और औरतों के लिए, तो मर्द भी यूज कर सकते हैं। फैंटास्टिक, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी नीड। मनीष जी, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए, और थैंक्स अ लॉट, रियली रियली ग्रेट विजन, थैंक यू। रेडियो सिटी 91.1 पर ये होता है भैया, आप जो देखते ना ये 3 Idiots फुनसुक वांगड़ू, याद है, ऐसे टाइप के आइडिया ही होते हैं। और ये बड़े बड़े लोग जो IIM IIT से जाते हैं, सोचो एक आदमी 22 साल की उम्र में अमरीका, पूरी दुनिया भर, क्या होता है ना, हर किसी का मकसद होता है या प्लान होता है, मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है और पैसा कमाने हैं, अमेरिका चले जाते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं ना लैंड ऑफ द फ्री, कोई भी कुछ भी कर सकता है वहां पे। ये आदमी वो सब छोड़ के वापस आया और एक ऐसी प्रॉब्लम उसने सॉल्व करने की कोशिश की है, और इनको छोटा लगता है, मुझे तो लगता है कि 15000 लोग 15 अगस्त को अगर इन्होंने वापस चालू किया, दैट्स प्रीटी गुड यार। और अगर 15000 से अगर ये 15 lakh हो गए तो सोचो कि कितनी बड़ी समस्या जो है वो सॉल्व हो जाएगी। मनीष केलशेकर का वुलू ऐप जरूर उसको चेकआउट कीजिए बॉस, और जो 1 rupee पर डे में इतना कुछ सॉल्व हो सकता है, सोचो कि कितने सारे लोगों की समस्या एकदम सॉल्व हो जाएगी यही कड़क शो पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। सिटी का कड़क घंटा सलील के साथ।